दोस्तों, आपके भी मन में कभी न कभी ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर 2050 तक हमारी ये दुनिया कैसी दिखने वाली है। हालांकि 2050 के ऊपर मैंने इस चैनल पर पहले भी वीडियोस डाली है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2050 के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस के हिसाब से आप सभी को 2050 की एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. 2050 तक पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुकी होगी और दुनिया के लगभग 80% लोग शहरों में ही रह रहे होंगे। दुनिया की लगभग हर सिटी पूरी तरह से स्मार्ट हो चुकी होगी और पूरी दुनिया की आबादी 960 करोड़ के भी ज्यादा ऊपर होगी और उस समय तक हमारे इंडिया की आबादी 170 करोड़ को भी पार करते हुए चाइना से भी ज्यादा होने वाली है। दोस्तों, 2050 तक सी लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा और इसी के चलते उस समय तक हम बहुत सारे आइलैंड्स को खो चुके होंगे और इसके अलावा अभी तक भी हम काफी सारे आइलैंड्स को खो चुके हैं। साथ ही 2050 तक कुछ नए देश भी दुनिया में शामिल हो चुके होंगे और ये नए देश पुराने देशों के टुकड़े होने के चलते ही बनने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में 55% जॉब्स खत्म हो चुकी होंगी जो आज के दिन हमारे बीच में मौजूद है। हालांकि इसके अलावा भी उस समय तक कुछ नई जॉब्स भी मौजूद होंगी, मगर ज्यादातर जॉब्स रोबोट्स के द्वारा ही की जाएंगी। 2050 तक मेडिकल सिस्टम तो इतना एडवांस हो चुका होगा कि आज के दिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते और उस समय किसी भी सर्जरी को करने में कुछ नैनो रोबोट्स बहुत ही कम समय का टाइम लगाएंगे। दोस्तों, कैंसर का इलाज अगले 10 सालों के अंदर ही पूरी तरह से खोज लिया जाएगा और कैंसर की वजह से किसी भी 80 साल से कम उम्र वाले इंसान की मौत तो कभी भी नहीं होगी। हालांकि रिपोर्ट्स का ये मानना है कि उस समय तक आइस की बीमारी हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। उस समय तक मायोपिया नाम की बीमारी इंसानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों, दरअसल ये आंखों की एक बीमारी है जिसके चलते इंसानों को दूर की कोई भी चीज काफी ज्यादा धुंधली दिखाई देती है। इस बीमारी के होने का मेन रीजन है लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस का आना, लेकिन आज के दिन ही हमारी मेडिकल ने इसके बारे में काफी कुछ खोजना शुरू कर दिया है और आने वाले फ्यूचर में तो इसका इलाज करना हमारे लिए एक खेल की तरह होगा। दोस्तों, आने वाले फ्यूचर के गैजेट्स तो इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं कि आज के दिन उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस समय तक ज्यादातर गैजेट्स नैनो चिप्स पर ही बेस्ड होंगे और उस समय के गैजेट्स हमारी बॉडी में ही फिट हो पाएंगे, जिसके चलते हम अपनी बॉडी को ही स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं। साथ ही वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का लेवल भी बहुत ही हाई हो चुका होगा। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रोबोट्स के द्वारा बहुत सारे काम करवाए जाएंगे, जैसे कि क्लीनिंग का काम, कैशियर का काम और ड्राइविंग का काम। और यही वजह है कि 2050 तक इन सब लोगों की जॉब्स पूरी तरह से खतरे में पड़ने वाली है। दोस्तों, 2050 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी होंगी और उस समय सेल्फ ड्राइव कार्स का तो पूरी तरह से जमाना होने वाला है। शायद आज के दिन आप सभी को लगता होगा कि ऐसी कार से तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, मगर दोस्तों सेंसर्स के सहारे ये कार्स चलने वाली है और इनका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। और आज के दिन जो कार आप चलाते हैं ये उसके मुकाबले 85% ज्यादा सेफ है। और ये बात तो शायद आप भी जानते होंगे कि आज के दिन भी दुनिया की कई फेमस सिटीज में सेल्फ ड्राइव ट्रेन चलती है जिसमें कि सिर्फ पैसेंजर्स ही होते हैं। 2050 तक इंटरनेट की स्पीड आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी। हालांकि उस समय भी फाइल्स को एक सेकंड में डाउनलोड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक हर फाइल की क्वालिटी और उसके ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के होंगे, इसीलिए उनका साइज बहुत बड़ी गीगाबाइट्स में होगा और कुछ बड़ी फाइल्स का साइज तो उस समय टेराबाइट्स में भी होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी फ्यूचर की एक झलक जो कि हमारे साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन के हिसाब से थी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना
और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।